कैसे हो तुम सब? सॉरी आज लाइव पे नहीं आ सके। और नहीं आ सकने का कारण एज यूजुअल बहुत ठंड है, और ठंड के कारण कुछ 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 काम भी लगे रहे, और वो काम करने के बाद सब करके जैसे ही अंदर आए एकदम ध्यान आया, हो आई हैड प्रॉमिस टू माई स्टूडेंट दैट आई विल बी देयर, सो नॉट लाइव बट इन रिकॉर्डेड मूड आई एम हियर फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सॉल्व योर क्वेरीज, वट एवर यू हैव आस्क मी। जैसे कुछ बच्चे आए वो पूछ रहे थे कि इंक्लूसिव में हमें क्या करना है असाइनमेंट में, तो यू हैव असाइनमेंट बेटा, है ना? असाइनमेंट में तुम्हें जो पीडीएफ दी गई है उस पीडीएफ में जैसे मान लो ऐसे लिखा हो कि छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय डिप्राइव्ड स्टूडेंट या डिप्राइव्ड पर्सन, जैसे पिछड़े बालकों का अर्थ क्या है, तो ये सब उसमें छोटे छोटे बिंदुवार में दिया गया होगा कि वो बच्चे जिनकी थोड़ी सीखने की गति धीमी हो या जो जल्दी डिप्रेस हो जाते हों या एंटी सोशल एटीट्यूड जिनका हो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो तुम्हें उसमें ऐसे करना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, इफ़ यू हैव पेज इन योर असाइनमेंट कॉपी, तो तुम इन पॉइंट्स को इलैबोरेट करोगे, ठीक? जैसे मान लो हमने मीनिंग में ये बताया हो कि वो बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट से बिलो काम करते हैं उन्हें हम, मतलब बिलो काम करने का मतलब एवरेज स्टूडेंट के वर्क एटीट्यूड, वर्क के नेचर के अकॉर्ड के हिसाब से उनका काम करने का तरीका, सोचने समझने का तरीका, शक्ति और व्यवहार सामान्य से थोड़ा कमतर हो, वो पिछड़े या डिप्राइव्ड स्टूडेंट के रूप में आते हैं। अब इनमें क्या क्वालिटीज़ हैं? अब इन क्वालिटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है कि स्लो लर्नर हैं, डिप्रेस हो जाते हैं जल्दी, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल हो जाते हैं, और डिफरेंट रीजंस हैं उनके, एजुकेशनली डिप्राइव्ड हैं या सोशली डिप्राइव्ड हैं, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, मेंटली डिप्राइव्ड हैं, इस पर हम डिप्राइव की कैटेगरी बनाते हैं, ऐसा करके तुम्हारा वो होगा मीनिंग में पहला जो पीडीएफ होगा, ठीक? तो उसे तुम्हें क्या करना है, जैसे ये एक लाइन का होगा कि सीखने की गति धीमी, ठीक? अब तुम्हें क्या करना है कि इसे, इस पॉइंट को एटलीस्ट दो लाइन में अपने शब्दों में लिखना होगी। पॉइंट तो तुम्हारा एक होगा कि इनकी सीखने की गति धीमी होती है, ठीक है? अब तुम इसको, इस पॉइंट को इलैबोरेट करोगे, ठीक? अब नेक्स्ट पॉइंट मान लो इनकी क्या विशेषता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन, उसके बारे में तुमको, और जब हम लोग मीनिंग में कुछ बात करते हैं तो वो उस कंटेंट या उस कॉन्सेप्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होता है। तो तुम्हें यहाँ पे शब्दों का चयन करना पड़ेगा। सामान्य शिक्षण विधियों के द्वारा इनको नहीं बताया जा सकता है, या इनके लिए स्पेशल एजुकेशनल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा या टीचिंग टेक्निक का, ये सब तुम्हें बताना होगा। तुम्हारे पास जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में एक 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 लाइन में है, ठीक? उसे तुम्हें इलैबोरेट करके लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद में बड़ा नहीं होगा, हमें लगता है 10-12 पेज में ये हो जाएगा। एंड देन वी हैव एन एक्टिविटी, वी हैड दैट वाज द स्किट,
तो तुम्हें बताना होगा कि यू प्ले एंड स्किट, द थीम ऑफ द स्किट वॉज बेस्ड ऑन थिंकिंग इंक्लूसिव क्लास, है ना। हाँ, इंक्लूसिव क्लास। तो तुम्हें क्या करना है कि उस बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि मैम क्या करना है इसमें, हमको कैसे लिखना है। एक तो वो स्किट का तुम लोग ने फोटो खींचा ही होगा, ठीक। तो वो फोटोज, दो तीन चार फोटो जो भी तुमने खींची होंगी, उन फोटोज को अपनी कॉपी में लगाना है, प्लस उस स्किट का एक जिस्ट लिखना है कि स्किट जो तुमने किया उस स्किट से क्या निष्कर्ष निकला। तो निष्कर्ष में ये निकलेगा कि जो इंक्लूसिव क्लास होती है, उस इंक्लूसिव क्लास में टीचर के साथ साथ क्लास के कुछ स्टूडेंट का भी रोल होता है, डिप्राइव्ड या किसी भी तरीके के डिसेबल्ड बच्चों को अपने साथ आगे ले चलने का, क्लास में अपने साथ बराबर की गति से कराने का। जैसे मान लो ईच वन टीच वन कर दिया, या एक के पीछे एक टीचर ने लगा दिया, तुम्हारी स्किट का हमको बहुत ध्यान नहीं आ रहा है कि व्हाट रेमेडी यू हैड गिवन इन योर स्किट, लेकिन जो रेमेडी तुमने अपनी स्किट में दी थी ना, वो तुमको वहाँ लिखनी होगी कि हमने एक स्किट की इंक्लूसिव क्लासरूम पे, इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट पे हमने एक स्किट की, उस स्किट में हेयरिंग एड या स्लो लर्नर, हाँ शायद स्लो लर्नर की प्रॉब्लम को तुमने उठाया कि क्लास का कुछ एक दो बच्चा स्लो लर्नर है, तो उन स्लो लर्नर को किस तरीके से टीचर ने आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड की, और उन रेमेडीज का क्या रिजल्ट हुआ, ठीक। बस तुमको इतना लिखना है उसमें, एक उसमें वो सब कुछ नहीं लिखना है कि आई तो गई, मतलब पूरे स्क्रिप्ट तुमको नहीं लिखनी है, ठीक है। तो आई होप कि यू विल दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। और मैं आई कांट प्रॉमिस, मैं फिर भूल गई तो बट लिटरली सॉरी बेटा, मैं भूली नहीं थी, बट कुछ काम था जिसके कारण लाइव नहीं आ सके, बट आई ट्राई टू हैव अ क्लास, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू हैव अ क्लास ऑनलाइन, देन आई विल सेंड यू वीडियो रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम्स। होप दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, है ना। तो गो थ्रू दिस वीडियो राइट नाउ एंड जस्ट लेट मी नो कि इज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिस्कस विथ मी। पर सबसे पहले बेटा, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो वेदर है, इस वेदर में अपने आप को बहुत सुरक्षित रखें, बढ़िया स्वेटर जैकेट पहन के। अब हम तो देखो घर के अंदर है ना, तो नो नीड टू से कि कान भी बंद कर लो और ऐसा कुछ करके, लेकिन घर के बाहर हो या खुला घर है, तो पूरी तरीके से अपने आप को कवर रखना, पानी पीते रहना रेगुलरली, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं पियोगे तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, ठंड में भी डिहाइड्रेशन होता है। खूब बढ़िया पेट भर खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, गुनगुना पानी पियो, आंवला एक आंवला रोज खाओ, और अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम सब देश का भविष्य बनाने वाले हो। तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ भारत, हमें ऐसा लगता है कि 2045 तक
जो 45 में जो भारत दिखेगा, 46, 45, 43 के बाद से भारत, जो भारत दिखेगा वो तुम्हारे द्वारा बनाया गया भारत होगा। तो उस भारत को तुम आज अपनी नज़र से देखो, वो भारत कितना विकसित होना चाहिए। अपने विज़न को 20 साल आगे लेके जाओ और उन 20 सालों में तुम क्या क्या अमेंडमेंट चाहते हो, जो पुरानी प्रथा परंपराएं हैं उनमें अपना अमेंडमेंट डालो। परंपराएं हमेशा समय काल परिस्थिति के अनुसार नया रूप लेकर के आती हैं। उसके लिए हमारे तुम जैसे बच्चे ही जिम्मेदार हो, बेहतर हो। अपना ख्याल रखो, अपने घर परिवार का ख्याल रखो, घर में बड़े बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों, उनका ख्याल रखो। थोड़े ही दिन की ठंड है, चली जाएगी, पर टिल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डेज, सी यू सून।